बसड़िया धाम में है, वो बसड़िया धाम जहां पर लाखों हजारों की संख्या में भक्त आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं। आज के दिन प्रत्येक वर्ष सावन मास में मैया के एक भक्त हैं जो सच्चे दिल से मैया की भक्ति करते हैं, उनको आज झूला झुलाया जाता है। लाखों हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जमा है कि चलने तक की जगह नहीं है। एक बार ऊपर आप पूरे चहुं तरफ घुमा के दिखा दीजिएगा कितने श्रद्धालु यहाँ पर भरे पड़े हैं। क्या है आज का खास पूजा, क्या है? यहीं के हैं? नहीं, पटोरी से हैं। पटोरी के हैं आप? यहाँ के हैं? नहीं जी, हम तो सिंगिया से आए हैं। आज का पूजा क्या खास है? बहुत खास है। क्या होता है आज के दिन? माता जी का पूजा होता है। माता जी का पूजा जी होता है हर सावन मास में ऐसा होता है? हाँ, हर वर्ष। हर वर्ष। तो खास क्या है आज के दिन में? आज के दिन में माता जी जो अभी दिखाए हैं, सब लोग को, भक्त लोग को दर्शन दिए हैं। हाँ। और झूला झूल रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। यानी कि माता के जो सच्चे भक्त हैं राजा बाबू, हाँ, जिन्हें लोग मैया कह रहे हैं, हाँ, हैं, उन्हें आज झूला झुलाया जाता है जी। हर वर्ष प्रत्येक साल ऐसे झुलाया जाता है? प्रत्येक वर्ष झुलाया जाता है। यहीं के हैं? नहीं, हम लोग यहाँ के नहीं है। आज कहाँ से आए हैं आप? सिंगिया से। सिंगिया से पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। क्या जानते हैं? कुछ जाने? हम लोग कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानते? कुछ नहीं जानते, बस देखने के लिए आए हैं। बस माता जी का समझिए जो बुलावा आया और आ गए। अच्छा, बुलावा आया, आ गए। भक्तों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितने भक्त यहाँ पे हैं। चहुं तरफ यहाँ पर भक्त खड़े हैं और आनंद ले रहे हैं, उसे देख रहे हैं, और उनके पावन आशीर्वाद पाने के लिए दूर दूर से भक्त लोग आए हैं। दादी यहीं के हैं आप? यहीं के? ना, ना। पहली बार आए हैं? हाँ हाँ। कहाँ से आए हैं? खुदामनपुर थाना से, ये बेगूसराय जिला से। क्या जानते हैं यहाँ के बारे में? हमें तो यहाँ के बारे में पहले दिन अबे करिए तो कुछ नहीं जाना छे। पहला दिन आए? हाँ, पहले दिन अलिए। अच्छा, कुछ सुने होंगे ना इस जगह के छियन पूजा आर छियन माता के, तब माता का पूजा हो रहा। हाँ। कौन यहाँ के? आप यहाँ के हैं? नहीं, आप भी यहाँ के नहीं है। यानी कि दूर दूर से भक्त लोग आए हैं, श्रद्धालु लोग आए हैं मैया का पावन आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। ऊपर देखिए, ऊपर भी भरे पड़े भक्त लोग हैं। चलिए हम ऊपर भी चलने का प्रयास करते हैं और उनसे पूछने का प्रयास करते हैं कि आज ऐसा क्या खास है जो ये लोग इतना भीड़ लगाए हैं। ऐसे तो बहुत मंदिर है, बहुत जगह है, लेकिन आज के दिन यहाँ पर इतना भीड़ क्यों लगता है, क्यों उभरता है इतना भीड़? यहीं के हैं? हाँ, हम यहीं के हैं। क्या खासियत है आज के पूजा में? क्या खासियत है आज की पूजा में? यही खासियत है कि माता के दरबार में बहुत लोग आते हैं और माता को यहाँ, हम तो, हमको शादी का 6 साल हुआ है। हाँ। 6 साल हुआ है उसके बाद, और पहले सब जानते थे, हम तो 6 साल से ही जानते हैं। 6 साल से आप जानते हैं? हाँ, 6 साल से। प्रत्येक वर्ष ये पूजा अर्चना होता है? हाँ, प्रत्येक वर्ष ही होता। कुछ तो कुछ खासियत होगी? हाँ, खासियत यहाँ माता अपना रूप में दर्शन देते हैं। माता अपने रूप में दर्शन देते हैं? हाँ। आप लोग यहीं के हैं? यहीं के हैं? यहीं के हैं? यहीं के हैं? हाँ हाँ, मैं यहीं के। मंदिर तो बहुत सारा है लेकिन यहीं पर लोग इतना क्यों जमा होते हैं, वो भी आज के दिन? आज के दिन यहाँ मनोकामना पूरा होता है बहुत आदमी के, इसलिए आता है। बंद कर दीजिए, आ जाएगा मनोकामना पूरा? हाँ, पूरा हो जाता है। अच्छा, जो भी मन्नत मांगते हैं वो? हाँ, वो पूरा हो जाता है, तभी तो इतना भीड़ लगता है। अभी भीड़ लगता है? हाँ, प्रत्येक वर्ष? हाँ, साल साल। पूजा कब होता है? हर दिन पूजा होता है? पूजा हर इतवार को होता है, आज सावन का, सावन इतना भीड़ लगता है, मतलब सावन मास। हाँ हाँ हाँ। मन्नत कभी मांगे हैं? मन्नत कुछ मांगे हैं? हम लोग तो यही घर है तो मांगे नहीं, 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 नहीं। मतलब है जो कि साल में या इनका पूजा देना जरूरी है, साल में इनका पूजा? हाँ, दूध आके। अच्छा, यहाँ पर पंचमी यही होले, मतलब लास्ट सावन पंचते सावन, हर साल ऐसे? हर साल। आप लोग भी यहीं के? हाँ, यहीं। क्या यहाँ का, क्या आज के पूजा का क्या खास बात है? बहुत अच्छी, बहुत खास बात है। बहुत खास बात है, क्या कुछ जानते हैं यहाँ के बारे में? मतलब हम लोग दूर से आए हैं जी, मतलब आसपास के आदमी हैं। आसपास के आदमी हैं? हाँ, मतलब बगल गांव से आए हैं? हाँ, बगल गांव से। आप लोग यहीं के हैं? यहीं के? हमारे यहाँ पर घरे है। घरे है? घरे पे अभी खड़े हैं? घरे पे। इतना भीड़ लगने का क्या कारण है? यह कारण है, मेला देखने दुनिया आदमी आए हैं, मेला लग रहा, सावन का सावन मेला, सावन मास में हर बार मेला, हर बार मेला लगते हैं। संडे के, इतवार के इतवार कोठिया गुहार लगते हैं, आदमी को देखभाल होते हैं, बच्चे को होते हैं, कुछ होते हैं, कोनो कारण होते हैं। हाँ। वो पूरा हो जाते हैं, पूरा हो जाते, पूरा हो जाते हैं। मतलब रविवार को रविवार, रविवार के रविवार सब दिन देखते हैं मैया देखते? हाँ, माता देखते हैं। कौन देखते, कौन होंगे?
राजा बाबू माता है वो देखते हैं। अच्छा, मैया के जो सच्चे भक्त राजा, हाँ हाँ वो देखते हैं। हाँ, वह देखते हैं। आ नंबर ऐसे आधा भीड़ रहते हैं इतवार के। कहाँ कहाँ से यहाँ पर लोग आते हैं? बहुत बहुत दूर के आते हैं। बहुत दूर दूर, बहुत बहुत दूर के आते हैं। दिल्ली पंजाब, दिल्ली पंजाब से सब तरह के आते हैं। अच्छा, हाँ सबका मन पूरा, इतने मंदिर बना हुआ है। हाँ। जिनका मन पूरा हो गए वह आदमी मंदिर बनाए हैं। अच्छा, जिनका मन पूरा हो गया। हाँ। मन्नत पूरा हो गया। हाँ, वो आदमी उतने खर्चा करते हैं, बनाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर भक्तों का, श्रद्धालुओं का कैसा हुजूम लगा हुआ है, कि कितना भीड़ है, लाखों हजारों के संख्या में भक्त आते हैं। और यहाँ के लोगों का ये मानना है, ये कहना है कि जो लोग मन्नत मांगते हैं, सच्चे दिल से मन्नत मांगते हैं, उचित मन्नत जो पूरा होने वाला होता है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी मांग ले वो पूरा हो जाएगा, उचित मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण होता है। और प्रत्येक वर्ष सावन महीने में यहाँ पर ऐसे ही मेला लगता है और मैया के भक्त राजा बाबू को यहाँ पर झूला झुलाया जाता है। वहाँ पर आप देख सकते हैं जो कितना श्रद्धालुओं की संख्या है, और वहाँ पर हर एक श्रद्धालु, हर एक भक्त यही चाह रहे हैं कि एक बार हम झूला पाए, सच्ची श्रद्धा से उनको देख पाए। मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि हमारा देश आस्था का देश है, विश्वास का देश है। यहाँ पे आस्था की पूजा होती है, विश्वास की पूजा अर्चना होती है। और अभी मैं बसड़िया धाम में हूँ, और बसड़िया धाम में इतने भक्त लोग आए हुए हैं, श्रद्धालु लोग आए हुए हैं मैया के पावन आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए, मैया के सच्चे भक्त राजा बाबू के पावन आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए। और जो ये भक्त का भीड़ आपको दिख रहा होगा, ये प्रत्येक वर्ष सावन में, सावन माह में यहाँ पर लगता है, और इतने लोग आते हैं, मेला लगता है, और दूर दूर से भक्त आते हैं, और जो मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण होता है। ये देख सकते हैं अभी वही भीड़ दिख रहा है, भक्तों का भीड़ दिख रहा है। और यहाँ पर आस्था और विश्वास की पूजा होती है, मैया की पूजा अर्चना की जाती है। बाकी आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद।